शास्त्री को जान से मारने की धमकी, अनजान नंबर से रात में आया कॉल, भाई ने दर्ज कराई एफआईआर। जम्मू में उर्मिला माया तोड़कर भारत जोड़ो यात्रा में हुई शामिल, राहुल गांधी का हाथ थामे आई नजर। 74 साल का हुआ उत्तर प्रदेश, यूपी दिवस समारोह का आज से हुआ आगाज। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सपा का किनारा, शिवपाल बोले हम राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। दिल्ली एनसीआर समेत 5 राज्यों में कांपी धरती, 30 सेकंड तक महसूस हुए झटके, नेपाल में था भूकंप का केंद्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, मैं हूं आपके साथ रागनी सिंह। बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को फोन पर धमकी मिली है। एक शख्स ने अनजान नंबर से उनके भाई को फोन कर धीरेंद्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने धारा 506 और 507 के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई लोकेश गर्ग के फोन पर अमर सिंह नाम के एक व्यक्ति ने फोन कर धमकी दी। अमर सिंह ने पहले शास्त्री से फोन पर बात करने की जिद की। लोकेश गर्ग ने उसे बताया कि महाराज फिलहाल छत्तीसगढ़ में है। ये सुनकर फोन करने वाला शख्स गुस्सा हो गया और उसने धीरेंद्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद धीरेंद्र शास्त्री के भाई ने रात में बमीठा थाने में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में बॉलीवुड के कई सेलेब्स शामिल हो चुके हैं। अब इस फहरिस्त में आगे बढ़ते हुए एक्ट्रेस पॉलिटिशियन उर्मिला मातोंडकर ने भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा आज जम्मू के नगरोटा शहर से शुरू हुई। वहीं उर्मिला मातोंडकर ने कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी के साथ मार्च किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। भारत जोड़ो यात्रा में उर्मिला ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। एक व्यक्ति, एक पार्टी, कुछ चंद लोग से कहीं कहीं बड़े जज्बे के साथ ये यात्रा आगे बढ़ी। ये जो जज्बा है, ये इस यात्रा के साथ चला है, इसको इसने आगे लेके गया है और इतनी कामयाबी पर लाके खड़ा कर दिया है और आगे ही चलते जा रहा है। और उस जज्बे का नाम है भारतीयता। उस जज्बे का नाम है भारतीयता, जिसमें बहुत सारा प्यार, स्नेह, विश्वास, भाईचारा और सद्भावना है। और ये भारतीयता हम सबको जोड़ के रखी हुई है। आज यूपी 74 साल का हो गया है। उत्तर प्रदेश के 74 साल पूरे होने पर आज राजधानी लखनऊ में स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आरंभ हुआ। यूपी दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान सीएम योगी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रदेश सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में यूपी के लोकगीत और लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। ये कार्यक्रम अवध शिल्प ग्राम में हुआ, जिसमें कलाकारों की अद्भुत प्रस्तुति को देखकर लोग मंत्रमुग्ध होते दिखाई दिए। मैं सबसे पहले देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में, जिसे हम आयोजित करते हैं, हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए विवादित बयान से सपा ने पल्ला झाड़ लिया है। आज जसवंत नगर पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा कि रामचरितमानस पर दिया गया स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है, इसका सपा की विचारधारा से कोई भी लेना देना नहीं है, हम राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। शिवपाल यादव ने इस दौरान भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, ये लोग तो भगवान राम को ही बेच रहे हैं। और आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से भगाना है और समाजवादी पार्टी को लाना है। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले हैं।
दिल्ली एनसीआर में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दोपहर 2:30 बजे करीब आए इस झटके से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कंपन महसूस किया गया। झटके इतने तेज थे कि टेबल पर रखे पानी की बोतल और अन्य चीज काफी तेजी से हिलने लगी। गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर सिस्मिक जोन 4 में आते हैं। भूकंप आते ही लोग बिल्डिंग से बाहर की तरफ भागे, काफी देर तक लोग सड़क पर भी खड़े रहे। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल मचा दिया है। बीजेपी की ओर से जारी कटाक्ष के बीच जहां एक ओर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा किया है, तो वहीं आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसे दिग्विजय का निजी बयान बताया। राहुल ने कहा, जो दिग्विजय सिंह ने कहा मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा विश्वास है, अगर आर्मी कुछ करे तो सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। ये दिग्विजय सिंह का व्यक्तिगत मत है, ये कांग्रेस का मत बिल्कुल नहीं है। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है, अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कम्प्लीटली डिसएग्री करता हूं, और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। विधानसभा चुनावों के बाद प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की नजर अब लोकसभा चुनावों पर है। पाटिल के अनुसार पार्टी ने लोकसभा चुनावों में जीत का नया रिकॉर्ड बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में दोबारा से अपनी प्रचंड जीत दर्ज करना चाहती है, जिसे लेकर पार्टी आगामी चुनाव के एजेंडे और रणनीतियों पर अभी से ही काम कर रही है। इसी के तहत सुरेंद्र नगर में चल रही प्रदेश कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, संगठन मंत्री रत्नाकर शेट्टी और केंद्रीय मंत्रियों की हाजिरी में लोकसभा चुनावों की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। पुलिस ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी गतिविधि का खुलासा किया है। उनका खुलासा करते हुए उनकी साजिश नाकाम कर दी है। सुरक्षा बलों ने बारामूला जिले के पटन में आज बड़ी कार्रवाई करते हुए किशोरों समेत 5 युवकों को आतंकियों के जद से छुड़ाया है। सुरक्षा बलों ने सभी युवकों को अपने कब्जे में लिया और बाद में काउंसलिंग करके उन्हें उनके माता पिता को सौंप दिया। ये आतंकी युवाओं को गुमराह करके उन्हें आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए लुभा रहे थे। बारामूला पुलिस ने सेना के साथ मिलकर 5 युवाओं को आतंकी रैंकों में शामिल होने से बचाने में सफलता हासिल की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।